सो है एवरीवन, कैसे आप सब। जैसे कि गाइस, आज हम बनाने वाले हैं छोटा मोटा टेडी बियर, जो अक्सर मैं केक के ऊपर यूज़ करता हूँ, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप चाहो तो ये कैसे बना सकते हो एंड गाइस मैं कैसे बनाता हूँ। इसको बनाने के लिए आपका कोई भी नोजल स्पेशल लेने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट नोजल भी आप चाहो तो बना सकते हो। एंड गाइस चलो मैं ले लेता हूँ 1 पाउंड की बोर्ड, जिस पर मैं टेडी बियर बनाऊँगा। तो गाइस, इस टेडी बियर को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है प्लेन नोजल, जो आप साइड पे देख सकते हो। इसी नोजल से मैंने क्रीम से पाइपिंग बना ली है। अभी गाइस मैं इसके ऊपर ड्रॉप करूँगा। जैसे कि गाइस आप ध्यान से देखना, बोर्ड पे लगाकर ड्रॉप नहीं करूँगा, थोड़ा ऊपर नोजल रख के प्रेशर कर दूँगा कुछ इस तरीके से, ज़ोर से, ताकि ये बन जाए। इसके ऊपर भी सेम तरीके से मैं प्रेशर कर दूँगा। जैसे कि गाइस ये हमारा बन गया है। अभी गाइस साइड की ओर उसका जो भी हैंड लेग है वो हम बनाएंगे। जैसे कि गाइस नोजल को पहले इसके अंदर घुसा कर कुछ इस तरीके से प्रेशर करके निकालना होगा। जैसे कि गाइस अब ध्यान से देखना, नोजल को क्रीम के अंदर घुसा के कुछ इस तरीके से प्रेशर करके निकाल दिया, तो ये ऑटोमेटिकली फिनिशिंग से बन गया। अभी गाइस इसका मुंह जो है वो भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। नोजल को जहाँ पे मुंह देना चाहते हैं उसके अंदर घुसा देंगे, उसके बाद थोड़ा प्रेशर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो गाइस ये हो गया है। अभी गाइस हम इसी नोजल से चाहे तो उसका जो कान है वो भी हम दे सकते हैं। तो गाइस चलो मैं इसी नोजल से दे देता हूँ, जैसे कि कुछ इस तरीके से। बस आपको एक मतलब ड्रॉप करना है। एंड गाइस इसका जो हेड था वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था, तो मैं इसको ठीक कर दिया। अभी गाइस मैं कान बनाऊँगा कुछ इस तरीके से। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, जब बस मैं यहाँ पे एक ड्रॉप किया हूँ, जैसे मैं केक्स पे करता हूँ। तो गाइस ये मेरा कान हो गया है। अभी गाइस इसके ऊपर हम ब्लैक चॉकलेट से जो भी इसकी आँखें, मूछे और जो कुछ भी है वो हम देंगे, तब जाके गाइस ये प्रॉपर बन पाएगा। तो गाइस चलो मैंने ले लिया है ब्लैक पाइपिंग। अभी उसी से कुछ इस तरीके से हम जो भी इसकी आँखें हैं वो हम दे देंगे। एंड गाइस ये चॉकलेट थोड़ा टाइट है इसलिए ड्रॉप नहीं हुआ, तो अगेन हम कुछ इस तरीके से दे देंगे, है ना। एंड गाइस इसका जो मूछे है वो भी हम कुछ इस तरीके से दे देंगे। सो गाइस अब ध्यान से देखना, ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि इसका जो मूछे है वो भी मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया। अभी गाइस इसका जो कान है इसको भी हम कुछ अच्छे से एक गोल सा कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो गाइस दोनों साइड से ही हम कुछ इस तरीके से बना देंगे इसका कान। जैसे कि गाइस हो गया है। अभी गाइस इसका हैंड एंड लेग जहाँ पे है उसका जो नाखून है वो हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। बस आपको 2-3 ड्रॉप कर देना है ब्लैक चॉकलेट पाइपिंग से, जैसे कि मैंने ये कर दिया है। अभी गाइस हम मतलब इसका जहाँ पे मूंछ बनाया था वहाँ पे हम रेड जेल यूज़ करेंगे, ताकि गाइस इसका जो भी जीभ है उसके तरह कुछ लगे दिखने में। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो मैंने छोटा सा ड्रॉप कर दिया है, वो गिरेगा नहीं, छोटा मोटा है इसलिए। अभी गाइस कान के वहाँ पे मैं येलो कलर स्प्रे करूँगा, ताकि गाइस ये थोड़ा अच्छा लगे एंड काफ़ी यूनिक लगे। सो गाइस आज का वीडियो बस यहाँ तक ही था। सो गाइस मैंने आपको एक छोटा मोटा ट्रिक एंड टिप्स शेयर किया है टेडी बियर को लेके। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार हो तो, क्योंकि गाइस बर्थडे केक से कोई भी रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बहुत ही